मे बी आई आस्क यू अ क्वेश्चन सो दैट आप ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. पूरे दुनिया में हैदराबाद इज़ नोन एज फेकूज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूज. आर वी रियली फेकूज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मैंने कहा एपिसोड 5 में आपका स्वागत है. और आज के हमारे टॉपिक है स्टीरियोटाइपिंग. सो बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग क्या है? स्टीरियोटाइपिंग ये है कि एक इंसान की वजह से वो पूरे पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ दैट थिंग या ग्रुप को उसी चीज़ के जैसा समझ लो. आई स्टार्ट विद द कॉमिक एग्जाम्पल. जैसे कि नॉर्थ इंडियंस मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, सब लोग समझते कि हर साउथ इंडियन तमिलियन है, विच इज़ नॉट ट्रू. नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट. स्टीरियोटाइपिंग करना गलत इसलिए क्योंकि एक चीज़ या एक इंसान की वजह से पूरे ग्रुप को ठहराना बहुत गलत है. हैदराबादीज जज पीपल लिविंग इन करीमनगर एज गाउंटीज एंड स्टफ्स क्योंकि एक दो लोगों से जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई वो लोग वैसे बात कर देते. इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों के दिल नहीं है, इनका इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं. सो हम लोगों को वो चीज़ रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक इंसान की वजह से पूरे ग्रुप को कैटेगराइज करना कि बुरा है, इट्स समथिंग विच इज़ रॉन्ग. सबसे स्ट्रिक्ट और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज दाढ़ी वाला इंसान टेररिस्ट है ये मानना जस्ट बिकॉज ही हैज़ अ दाढ़ी. सिमिलरली जस्ट बिकॉज एक लड़की आपको धोखा दे दिया, एक लड़का धोखा देता है, हर लड़की लड़का आपको धोखा नहीं देंगे. सो एक इंसान की वजह से वो पूरे ग्रुप को जज करना है समथिंग विच इज़ रॉन्ग. अब फॉर एग्जाम्पल दिल्ली ले लो. के दिल्ली में जस्ट बिकॉज रेप्स ज़्यादा होते हैं डजंट मीन कि हर मर्द वहाँ रेप के बारे में ही सोचता है.